या तो आपको सब कुछ समझ में नहीं आया है, या आपको कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि जब समझ में आता है तो फिर सवाल जहन में आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना, आपको समझ में आ रहा है ना। चले, HTML तो आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप देखिए यहाँ मजीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए, मैं यहाँ पर ये जो पहली टी डी है ना, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ, और वह एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन का। और ये मैंने यूज़ कर लिया, और इसमें यूज़ करके मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी इसकी टू। ये एट्रीब्यूट मैंने टी डी में यूज़ किया है, तो ये एट्रीब्यूट टी डी के अंदर ही यूज होता है। आप इसको टी आर में या टेबल के साथ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कॉलम जो है वो बनता है बाय यूजिंग टी डी। सही है। ये जो कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट है, ये करता क्या है? हाँ, उस पर अप्लाई नहीं होगा। हाँ जी, कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट क्या करता है? हाँ, सबसे आसान लफ्ज यूज कर सकते हैं आप, मर्ज कर देता ही है। लेकिन असल में करता है क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अब ये टी डी जो है वो दो कॉलम्स की जगह लेगी। और आसान अल्फाज में समझ लें, पहली टी आर में अब तीन कॉलम हो गए। सही है। अब क्योंकि पहली टी आर में तीन कॉलम हो गए हैं, लिहाजा पेज की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। और इस शक्ल का मतलब क्या है कि क्या है? हाँ, ठीक है। तो जनाब, ये मसला है। अब इस मसले को कैसे हल करें? तो इस मसले का हल ये है कि पहली टी आर में एक ही कॉलम होना चाहिए, और पहली टी आर में एक ही कॉलम उस वक्त हो सकता है जब हम इस नीचे वाले कॉलम को डिलीट कर दें। तो अब आपकी पहली टी आर में एक ही कॉलम है, और ये है बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक्सेल में आपने दो सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया, या एमएस वर्ड में एक टेबल को सेलेक्ट, दो सेल्स किए और राइट क्लिक करके मॉडिफाई मर्ज कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस मर्जिंग से एक नुकसान हुआ है नजर, वो पता चला आपको क्या हुआ? हाँ, हमने जो कॉलम की विड्थ डिफाइन की थी, हमने जो कॉलम की विड्थ डिफाइन की थी 20%, वो अब नल एंड नलिफाइड हो गई। क्यों भाई? अब क्योंकि एक ही कॉलम है तो उसमें विड्थ नहीं चलेगी। क्या करें फिर? ज्यादा नहीं सोचते, ऐसा करते हैं इसको कट करके यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दोबारा से यहां पर आ जाएगा। सही है, ठीक है। चले, फिर यहाँ पे नीचे आए आप, ये आपका नीचे वाली रॉ थी ना, तो इसमें से ये वाला कॉलम मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ जनाब कॉल स्पैन इक्वल्स टू टू, और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये हमारे पास नीचे वाली रॉ भी क्या हो गई? मर्ज हो गई। सही है, ठीक है, कोई इतराज तो नहीं है? क्लियर है यहां तक? चलें, फिर आप लोग ऐसा करें कि जरा, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं HTML टेबल्स के ऊपर, और उसमें अब तक हमने ये बात की है कि अगर आप डिफरेंट टी आर्स बनाएं और उनके अंदर टी डीज बनाएं, तो किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारी रिसेंटली बात हुई थी कॉल स्पैन के एट्रीब्यूट के ऊपर। ठीक है, अच्छा देखें, अब मैं यहाँ पर कर ये रहा हूँ कि ये जो पहली टी आर है, इस टी आर के अंदर मैं एक इमेज जो है वो ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, तो इमेज कैसे ऐड करवाएंगे भाई? अब इमेज हम कहाँ से लाएंगे? प्रिंट स्क्रीन लेते हैं एक, फिर हम यहाँ से जनाब पेंट में जाकर ये जो इमेज है हमारी, इसको
सेव कर लेता। तो ये एक इमेज जो है वो हमें यहाँ पर डेस्कटॉप पे नज़र आएगी फर्स्ट के नाम से, और जनाब ये इमेज जो है वो हम अपने वेब पेज पे दिखा देते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वही सही अच्छा। अब इस इमेज को अपने वेब पेज पे दिखाने के लिए इस इमेज को हमें अपने फोल्डर में ऐड करना होगा। एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली यहाँ से कॉपी करें और इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दें, आसान तरीका है। वहाँ से भी एक्सेस कर सकते थे। यहाँ से मैं एडवांटेज ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर इमेज का टैग यूज़ करता हूँ और सोर्स में जनाब सिंपली ये जो भी इमेज है जो यहाँ पर मौजूद है इसी फोल्डर के अंदर, अगर मैं सिंपली इसका URL यहाँ पर लिख दूंगा first.jpg, तो बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इससे होगा ये कि आपको इस पेज के ऊपर ये वाली इमेज जो है वो नज़र आ जाएगी। रन करके देख लेते हैं। अब देखें हमारा टेबल जो था जैसा था, इस इमेज ने ना पूरे टेबल का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, तो एक काम ही करते हैं कि इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर देते हैं। इसकी विड्थ हम दे देते हैं 100 pixels। उससे होगा ये कि इसकी हाइट खुद ब खुद इस विड्थ के हिसाब से फिक्स होगी और ये इमेज हमें यहाँ नज़र आ रही है। अब ये कोई भी इमेज हो सकती है, कोई लोगो हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकता है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इमेज यहाँ तो नज़र आ रही है, यही इमेज मैं राइट साइड पे भी दिखाना चाह रहा हूँ कॉर्नर पे। तो जनाब मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, तो ऐसा करने से इमेज फौरन ही इसके साथ नज़र आ रही है। मैं चाह रहा हूँ ये कॉर्नर पे चली जाए, तो एक काम ये करते हैं कि इसमें अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और अलाइन कर दें हमने इसको राइट साइड पर, तो ये इमेज हमें राइट साइड पर अब नज़र आ जाएगी। अब मैं इसके दरमियान कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू वेब इंजीनियरिंग, और फिर इसको मैंने रिफ्रेश करके देखा तो ये टेक्स्ट मुझे यहाँ नज़र आ रहा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट तो मिडिल में आए, अभी मिडिल में कैसे आएगा? टेक्स्ट अलाइन, चलें पैराग्राफ यूज़ कर लो, यानी कि चलें पैराग्राफ यूज़ कर लेते हैं, और पैराग्राफ यूज़ करके हैं H1 यूज़ करो, चलें H1 ले लेते हैं। H1 यूज़ करके अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो फिर इसकी सूरत हाल ये हो गई। अब क्या करें हैं? हाँ, हाँ जी, हाँ क्या करें? सेंटर का टैग यूज करो, चलें जी सेंटर का टैग यूज कर लेते हैं। क्या करें? पी से आप अलाइनमेंट सेट कर दें, वो यही वाली बात हो जाएगी सेंटर वाली। देखें इसको आसान सी बात जहन में रखें, और वो ये है कि आप टेबल के अंदर एक और टेबल बना सकते हैं, लेकिन वो आप बनाएंगे विद इन TD।
तो मैं यहाँ पर एक और टेबल बना रहा हूँ और उस टेबल में तीन कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं? पहले कॉलम में पहली इमेज है, दूसरे कॉलम में ये टेक्स्ट है, तीसरे कॉलम में ये इमेज है। लिहाजा होगा ये कि आपका आउटपुट अब ऐसा नजर आएगा। अभी ऐसा क्यों नजर आ रहा है भाई? ये आपको समझ में आएगा कि अगर मैं इस बॉर्डर इसकी डिफाइन करता हूँ, अगर जैसे मैंने बॉर्डर दी ना इसकी, तो हमें अंदाजा ये होगा कि टेबल की विड्थ उतनी ही है जितना उसमें कंटेंट है, लिहाजा हम इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, 100% कर देते हैं और फिर रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब हम इसकी बॉर्डर दोबारा से ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, सही। तो टेक्स्ट आपका सेंटर में आ गया। अब आप चाहें तो इस टेक्स्ट का जो भी आपने स्टाइल या हेडिंग देनी थी या जो भी करना था वो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे आप हेडिंग देना चाहें इसे, तो जनाब ये अब आपको हेडिंग भी यहाँ मुमकिन है देना। वेलकम टू वेब इंजीनियरिंग, और फिर इसमें जो है वो अलाइन का एट्रीब्यूट चलता है या नहीं चलता अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, फिर आ जाएं लास्ट में। जी 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 हैंगे हैंगे, मैं अभी खुद नहीं। अच्छा हाँ, देखें असल में ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात कही थी कि इसके अभी डिज़ाइन व्यू, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही होंगी। ये सिर्फ अभी इनिशियल लेवल पे, मकसद सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ों का आइडिया ऐसा हो जाए कि अगर आपके सामने कोई पेज ओपन है तो उसमें से आप एरर फाइंड कर सकें। ठीक है, और प्रोफेशनली इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप से जितना बच सकते हैं बचे। ठीक है, वो बात और है कि ज़ाहिर है जब टाइम नहीं होता और फटाफट काम करना होता है तो फिर तो ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है, कि कोड लिखने में टाइम लगता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी आगे जाके हम देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही होंगी। हाँ, वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अगर कोई ऐसा मसला आ रहा है जो सही नहीं है तो सोर्स कोड देख के समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, और अभी हम थोड़ा सा जब एडवांस होंगे ना तो फिर हम इतना सोर्स में नहीं होंगे, फिर हम वहीं होंगे, इनिशियल लेवल पे अभी हम यहाँ पर। अच्छा, मतलब ये कि यहाँ मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल ही ऐसे ही करें जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको समझ आ रहा है ना कि ये क्या हो रहा है और आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है। बस ये है कि आपको ऐसा कोई कोड मिले तो आपको पता चल जाए कि ये इस वजह से हो रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर ये तीसरी TR आ गई हमारे पास। अब यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं अलाइन इक्वल्स टू राइट, सही है, और यहां पे मैंने लिख दिया कॉपी राइट। एट द रेट का साइन लगा देते हैं, और इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये टेक्स्ट हमें यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आ गया, सही है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा, ये हमारा जो मिडिल वाली रॉ है इसमें दो कॉलम है, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पर मैं ये करने जा रहा हूँ कि इधर अब मैं यूज़ करूँगा एक टैग, यूज़ करूँगा ए का, एंकर। ए के टैग में एक एट्रीब्यूट होता है HREF, हाइपर रेफरेंस। उसमें आप किसी पेज का लिंक दे सकते हैं, जैसे कि होम डॉट एच टी एम एल, जो कि अभी है नहीं लेकिन मैंने लिंक दे दिया। ठीक है,
इसी तरीके से मैं एक और ए का और ये तीसरा ए का टैग दे दिया। तो ये तीन लिंक्स मैंने यहाँ पर दे दिए, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये आ गया आपका अबाउट और ये आ गया कॉन्टैक्ट, सही है। कौन सा टैग यूज किया मैंने? ए का टैग यूज किया। नतीजा क्या होगा कि आउटपुट में आपको इस तरीके से ये तीन लिंक्स नजर आएंगे, अगर आप पेज सेव करके पेज को रिफ्रेश करेंगे तो, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अभी ये एक लाइन में नजर आ रहे हैं, आप ये कर सकते हैं कि यहां पर बी आर लगा दें, सही है ना। तो ये डिफरेंट लाइंस में आएंगे। अच्छा देखें, यहीं पे एक और बात भी समझें कि अलाइनमेंट भी दो तरह की होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक होती है वर्टिकल अलाइनमेंट, सही है। ये जो हमने अलाइनमेंट करी थी ना इसकी, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ये जो लिंक है ये लेफ्ट पर है, लेकिन वर्टिकली ये मिडिल में है। लिहाजा अगर मैं यहां पर इस टीडी के अंदर जाकर ऐसे लिख देता हूं वी अलाइन इक्वल्स टू टॉप, तो ये लिंक जो है वो टॉप पर आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं, आउटपुट हमारा कुछ इस किस्म का हो गया। अच्छा, एक चीज इसमें और रहेगी, फिर इसको मजीद हम आगे चलते हैं इसमें, वो ये कि जिस तरह मैंने यहाँ कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट यूज किया है ना, जिसकी मदद से क्या हुआ, मैंने मर्जिंग की, लेकिन वह जो मैंने मर्जिंग करी है वो इस तरह करी है, ऐसी करी है। अब मुझे बताएं ये रॉ मर्जिंग है या कॉलम मर्जिंग है? हाँ? अच्छा देखें, इसको गौर से आराम से सुकून से इसमें जो है ना, वो देखें दो तीन कॉलम्स मिलाकर मैं क्या कर रहा हूं, बन वो एक कॉलम रहा है ना, रॉ कह लें, लेकिन वो दो तीन कॉलम मिलके बन एक कॉलम गया ना उस रॉ के अंदर, ठीक है। अच्छा, यानी कि चलें ना, मैं कहता हूं कॉलम मर्जिंग ना मैं कहता हूं रॉ मर्जिंग, मैं कहता हूं हॉरिजॉन्टल मर्जिंग, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हॉरिजॉन्टल मर्जिंग होती है इसी तरह वर्टिकल मर्जिंग भी होती है, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए जो है मैं बता रहा हूं आपको कि उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो होता है रॉ स्पैन, ठीक है। लेकिन वो इस तरीके से यूज नहीं होता कि दो तीन रॉज बनी हुई और मैंने एक रॉ डिलीट करी और रॉ स्पैन लगा दिया, ठीक है। वो ऐसे बनता है कि देखें, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस टी आर में कितनी टी डी हैं तो आप क्या बताएंगे, इस टी आर में कितनी टी डी हैं? आप मुझे बताएंगे दो, क्योंकि इस टी डी का कॉल स्पैन है टू, यानी कि इस टी डी ने दो कॉलम्स की जगह ली हुई है, ऐसे ही है ना। टैग तो टी डी का एक ही है, सही है। अच्छा, अगर मैं यहां पर जो है वो एक टी डी का मजीद इजाफा कर देता हूं, तो अब इस रॉ में कितनी टी डीज हो गई? तीन हो गई। अब देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं रॉ स्पैन इक्वल्स टू थ्री, सही है? नहीं, रॉ स्पैन का मतलब है कि अब ये जो टी डी है ना ये मर्ज होगी इस तरह वर्टिकली, यानी कि अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो वो आपको कुछ इस किस्म का नजर आएगा। नहीं समझ आ रहा ना? आना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब देखें यही काम में जो है वो एग्जैक्टली इसी तरीके से यहां कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि एक कॉलम यहां बन गया। अब अगर आप इस टेबल स्ट्रक्चर को देखें तो आपको महसूस ही होगा कि ये जो मिडिल वाली रॉ है
इसमें कोई पांच कॉलम लग रहे हैं मुझे, यानी एक दो तीन चार, बल्कि चार लग रहे हैं। अच्छा ऊपर मुझे तीन लग रहे हैं, एक दो तीन, और यहां नीचे भी तीन है। असल में ये क्या है? ये असल में तीन रॉस के ऊपर एक कॉलम मर्ज हुआ हुआ है, सही है? लेकिन ये कॉलम मैंने बनाया पहली टीआर के अंदर ही है, तो ये जो कॉलम है, ये जो टीडी है, ये तीन रॉस तक मर्ज हो गई है, सही है? अच्छा उसके बाद ये वाली जो टीडी है, ये तो रॉ वाइज मर्ज नहीं हुई, तो कॉलम वाइज मर्ज हुई है। उसके बाद ये वाली जो टीडी है, ये भी तीन रॉस तक मर्ज हो गई है, सही है? ठीक है, तो आउटपुट आपको कुछ इस किस्म का नजर आ रहा है। ठीक है जनाब। अच्छा आप देखिए यहां पे मजीद ये कि अगर मैं ये जो टीडी है इसका कोई कलर डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो वो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? तो टीडी पे कलर डिफाइन करने का ना हमारे पास एचटीएमएल में कोई तरीका नहीं है, तो मैं यहां सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी सी सीएसएस यूज कर रहा हूँ, फिर इसको मैं समझाऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, सीएसएस यूज करने के असल में बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है ये जब हम सीएसएस पे आएंगे तो मैं बस डिटेल से बता दूंगा आपको। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सपोज करें ग्रीन दे रहा हूँ, और यही काम जो है वो मैं कर रहा हूँ इस टीडी के साथ, तो आप देखेंगे कि ये इन दोनों का कलर ग्रीन हो गया, सही है? अच्छा अब ये टेबल जो है इसकी बॉर्डर मैंने कर दी जीरो, तो आपके पेज का आउटपुट हो जाएगा आप कुछ इस किस्म का, सही है? देखिए अब आपके बॉर्डर जीरो होने की वजह से टेबल का कोई आपको स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? लेकिन ये जो पेज जिस तरह नजर आ रहा है, ये उस टेबल की वजह से नजर आ रहा है। अगर मैं वो टेबल टी आर टी डी हटा दूं तो ये सब एक साथ आ जाएंगे, फिर ऐसे ही है ना? ठीक है, तो यही चीज मैं आपको वो स्ट्रक्चर वाली बात समझाना चाह रहा था। अच्छा आप देखिए मैं क्या करूंगा यहां पर, अब मजीद ये कि इसी फोल्डर के अंदर ये जो एच टी एम एल पेज टू है हमारा, इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया इसी फोल्डर में, और इसका नाम मैंने रीनेम करके कर दिया होम। एक्सटेंशन तो ये चेंज करेगा नहीं, तो ये बन जाएगा होम डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसी को मैंने दोबारा से पेस्ट किया और रीनेम करके इसको कर दिया अबाउट, और इसी को दोबारा से पेस्ट करके मैंने फिर रीनेम करके मैंने कर दिया कॉन्टैक्ट। अच्छा यहाँ पे आके विजुअल स्टूडियो में इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये तीनों पेज मुझे यहाँ नज़र आ गए। अब देखें होम डॉट एच टी एम एल में जाकर यहाँ सिर्फ मैं लिख देता हूँ दिस इज होम पेज, हेडिंग में लिख देते हैं इसको H1। अच्छा और ये है अबाउट डॉट एच टी एम एल, और ये है कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। तो इसको हमने सेव कर लिया, और अब आप जो है वो किसी भी पेज को इसमें से रन कर लें। सपोज होम डॉट एच टी एम एल को मैंने रन कर दिया, तो होम डॉट एच टी एम एल में चीज़ें सारी वही हैं। ठीक है, अब इस पेज पे आने के बाद मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो पेज कौन सा खुलेगा? अब मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो पेज कौन सा खुला? कॉन्टैक्ट। अच्छा अब हो क्या रहा है कि जब मैं लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा पेज चेंज हो रहा है, ठीक है? लेकिन पेज में बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, तो लग ऐसा रहा है कि ये जो लिंक है ना वो इसको चेंज कर रहा है, हालांकि लिंक क्या कर रहा है? पूरा का पूरा पेज चेंज कर रहा है,
समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है वेब पेज के अंदर स्ट्रक्चर बनाने का, लेआउट बनाने का बाय यूजिंग अ टेबल। ठीक है, क्या हो गया, प्रॉब्लम तो नहीं है?